Yo, alright, so what is up everybody, this is Abhirup, welcome to the vlog. So, yaar, bahut din baad ek rescue video shoot karne ja raha hu. So, basically, ye ek aur ek call aaya hai, jo hai HP East Colony se, ye Chembur mein hai, matlab Chembur ke andar hi hai ye colony. Iske pehle bhi wo colony mein maine bahut baar snake pakde hai, aur ek video bhi banayi hai, jo maybe aapne dekhi ya nahi dekhi, mujhe pata nahi, par wo cobra tha, jo second floor pe tha. Abhi bhi ek call aaya hai, to watchman bol raha tha ki wo ek snake hai, jo green color ka hai, wo pehle zameen pe tha, aur fir usko crows wagera log ne disturb kiya, thoda kuch injury ki है मे बी और वो वापस थोड़ा चार्ट पर चढ़ गया. तो होपफुली वो एक वाइन स्नैक होगा. तो अब मैं मार्शल बैग के कार के अंदर हूँ और मेरे साथ मेरा भाई है. किधर है? हाँ है. तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं. स्टे ट्यून. वैसे हम लोग कॉल पे पहुंच गए और यहाँ पे एक वाइन स्नेक है. मेरे बालों को इग्नोर करो. बेसिकली वो ये झाड़ पे है. तो मार्शल भाई हम लोग के साथ है और चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं. हम लोग रेस्क्यू करते हैं. तो जैसे आप देख सकते हो इट्स एन एशियन ग्रीन वाइन स्नेक अहेटुला नासुडा और ही जस्ट गॉट माय फिंगर. और राइट इट्स अ लव बाइट आई कुड से. तो वाइन स्नेक्स आर सेमी वेनमस. सेमी वेनमस मतलब इनके जो इनके पास वेनम के फैंग्स होते हैं बट वो उनके इनर जॉ में होते हैं. तो फिर वो थोड़े मतलब जो मिडली वेनमस इनको बोल सकते हैं पर उनको इंसानों से कोई हार्म नहीं है. ठीक है. बहुत ब्यूटीफुल स्नेक रहते हैं. बहुत डेलिकेट है. तो अभी हम लोग आ रहे थे तभी वॉचमैन लोग उनको देख के डर रहे थे. वो बोल रहे थे कि ये जो स्नेक है वो सिर पे काटता है. अब इसका हेड देख सकते हो ऐसा बहुत पॉइंटेड होता है. ठीक है. एकदम शार्प हेड होता है. तो ये जितना पॉइंटेड और जितना कॉम्पैक्ट दिख रहा है जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना ही ज़्यादा वो बहुत नाजुक हो सकते हैं. उतना ही ज़्यादा वो डेलिकेट हो सकता है. तो वही और इसको ऑलराइट. सो हम लोग उसको लेके आए हैं फटाक से रिलीज़ करने को. मार्शल मैंने जाके फटाक से चेंज कर लिया. बोले यार फॉर्मल पे उनको तो जमता है नहीं क्योंकि मेरे को नहीं लगता किसी ने उनको फॉर्मल्स में आज तक देखा होगा. तो वही इसके अंदर है वो. तो बेसिकली मैं उसको हैंडल नहीं करूँगा. उसको एक प्रॉपर जगह पे रख के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा और फिर उसको जाने दूंगा. तो स्टे ट्यून. तो या वाइन स्नेक आप जैसे कि देख रहे हो वाइन स्नेक बेसिकली एक सेमी वेनमस स्नेक होता है. ठीक है. इसका हेड आप देख सकते हो तो वो दूसरे स्नेक्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग होता है. ठीक है. मतलब आपको समझ ही रहा होगा. अरे फोकस क्यों नहीं हो रहा है. हो गया शायद से. एग्जैक्टली. तो इसकी बॉडी भी देख सकते हो पूरी ग्रीन है. एकदम ग्रीन है. ये स्नेक सेमी वेनमस इसके लिए होता है क्योंकि इनके पास फैंग्स है वेनम के और उनके वेनम के फैंग्स बहुत पीछे होते हैं. रेयर फैंग स्नेक जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके. इट इज़ साइंटिफिकली कॉल अहेटुला नासुटा. ठीक है. और ये बहुत ही ज़्यादा कूल स्नेक है. मतलब जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं उनका ये फेवरेट स्नेक आप बोल सकते हो. ठीक है. मतलब इतना ब्यूटीफुल स्नेक और कभी कभार थोड़ा सा डिफेंसिव होता है पर अभी डॉर्सल है. मतलब रेस्क्यू करने के बाद
बहुत ज़्यादा डॉर्सल है, भाग रहा है। एनीवेज इसको हम छोड़ देते हैं ठीक है, और जा रहा है वो। तो वही गाइस, यही थी वाइन स्नेक की वीडियो। बेसिकली बहुत गर्म हो गया था हुडी के अंदर, मेरे को पता नहीं मैंने क्यों इतने गर्मी के अंदर वो हुडी पहन ली थी। एनीवेज तो अभी मैं ऐसे थोड़ा चेंज करके नीचे आ गया था। नहीं, ये बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद था, तो अगर वीडियो अगर आपको सच्ची में पसंद आया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सच्ची में अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। टिल द टाइम दिस इज अभिरूप साइनिंग आउट।